हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने किया था भाई ज्यूडन फोर्ट का ट्रैक, और कल मैं रात में 9 बजे आ गया था, और मुझे कल ही करने बोल दिया कि भाई आज जाना है सातारा को। तो आज हम बैठे हैं भाई पोलो में, तो पोलो में हम आज जा रहे हैं सातारा को। आज होगा व्लॉग सातारा का, तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, लेट्स राइड। कल भाई मेरा तो भाई पूरा शरीर दुखने लगा है, और गाड़ी पे सीढ़ी इतनी हार्ड थी ना एनएस की, मेरा बम भी दुखना चालू हो चुका है। आज भाई फोर व्हीलर थी इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो भाई आज तो मैं घर पे ही बैठा था। रात का मैं 7 बजे सोया था, सुबह के 9 बजे उठा हूँ, फिर तैयार हो के अभी जा रहे हैं वापस। दीदी जॉबला जाते ना आता? दादाचं माहिती। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं नारायणपुर, और ये देखो हमने भुट्टा खाने के लिए रुके थे। हिंदी मध्ये भुट्टा म्हणतात। हम हिंदी व्लॉगर है, एक्चुअली हम बहुत है मराठी हिंदी। भाई ने गाड़ी चलाने के लिए लिए अभी जस्ट हम पुरंदर पहुंचे। ये देखो पुरंदर का व्यू देखिए आप, ये नजारा तो मस्त है। पहाड़ों में छुपा हुआ एक खूबसूरत नजारा। हाँ नहीं दी तो सारे जस्त पाउस। ये देखो ये पुरंदर, ये लगभग हमारे घर से 30 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। पुरंदर के पीछे साइड ही तिरुपति बालाजी, मीन्स प्रति बालाजी, इसे हम छोटा बालाजी भी कहते हैं। मतलब बराबर इसके पीछे ही आता है, हम आगे दिखाएंगे आपको। जा रहे थे सातारा, और ये ट्रैफिक लग चुका है। मैं चलते चलते आगे देखने को आया हूँ, बहुत दूर तक ट्रैफिक है। ये पीछे ये अपनी गाड़ी, तो बहुत ही बड़ी लाइन है, शायद ये नेकलेस पॉइंट की तरफ ही जा रही हो। नेकलेस पॉइंट की वजह से बहुत गर्दी हो चुकी है। मैं बीच में शॉर्टकट से आया हूँ, आगे देखेंगे। तो मुझे अभी सीन पता चला है क्या कर रहे हैं टूरिस्ट जो आते हैं, वो रोड के साइड में गाड़ी लगा के गए, उसके वजह से ट्रैफिक है, दूर दूर तक लंबी लाइन। अपनी गाड़ी अभी बहुत पीछे है, मैं चलते आधा एक किलोमीटर आगे आ चुका हूँ। बारिश भी चालू हो गई है, तो ये ऑलमोस्ट आधा एक किलोमीटर का ब्लॉक है। मैं यहाँ पे रुका हूँ, परेश भाई आने के वेट कर रहा हूँ, कब आता है, थक चुका हूँ मैं। ये है नेकलेस पॉइंट, तो लगभग 20 या 25 मिनट बाद मुझे लगता है अपनी गाड़ी आ चुकी है। नहीं ये भी नहीं, अरे यार कब आएगी अपनी गाड़ी। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं ट्रैफिक में, चलते चलते आगे आ चुका हूँ, और यहाँ फंसा पड़ा हूँ। जा रहा था आखिरकार, आधा घंटा वेस्ट करने के बाद हम आ गए।
पे छोटा सा ब्रेक लिया है, कुछ तो खा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आगे घाट सेक्शन है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। गाड़ी आगे पार्क की है, अभी यहाँ पे चौक में ले लेते कुछ खाने का। यहाँ पे ज़रा आगे अच्छा लग रहा है, कुछ तो खाने को मिल जाएगा वहाँ लेते। यहाँ पे भाई हम वड़ा पाव खा रहे हैं और भाई पार्सल करने को बोले, बाकी आगे खाएंगे, थोड़ा आगे जाना है और देखते हैं। चल ना आयुष का थमले मजे मरी, चल पटा पटा, चल पटा पटा तो गाइज अभी पोलो में हमको जगह कम पड़ रही थी, तो हमारे में से एक मेंबर को हमने ऐसी जगह बिठाया जहाँ आपने आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरह बैठ चुका है, बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको जगह दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे पीछे इन्हें बिठाया गया है, पीछे पूरे डिग्गी की जगह इन्होंने घेर ली है, इतनी ज्यादा है कि डिग्गी की जगह घेर चुकी है पूरी। गाइस बहुत कंफर्टेबल है, आप ये जरूर ट्राई करना। और ये जो छोटी लड़की है ये तो आराम से बैठ जा रही है, ये देखो हमने पहले से ही ठहराया था, करण को जाता है ये, पहले से हमने ठहराया था कि इनको पीछे डिग्गी में बिठाएंगे। करण ऐसा आप डिग्गी में बिठाते जाओ जाते वक्त, मेरे पास और एक प्लान है, ये इसको आयुष को टप पे बिठा लेंगे, आयुष को इसको टप और रस्सी से बांध लेंगे और नहीं 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 दुर्वा दुर्वा को हम आगे रखेंगे, ये इधर रखेंगे, दुर्वा यहाँ फिट हो जाएगी, दुर्वा यहाँ फिट हो जाएगी। दुर्वा दुर्वा तू कुछ की फैन है? दुर्वा बीटीएस, बीटीएस कैसे हेलो करते, हेलो करो, ऐसा करता क्या, ऐसा करते, ऐसा करता का बीटीएस वाले, बीटीएस आर्मी तुला माहिती का, बीटीएस आगे हेलो करता, बीटीएस आर्मी से पंगा मत ले समझी, यही छोड़ देंगे। हेलो कर, नीट हेलो कर, बीटीएस आर्मी, इसको इसको बैन कर दो बीटीएस आर्मी, इसको बीटीएस में मत लो, इसको कोरिया मत आने दो बीटीएस, इसको कोरिया मत आने दो, ये छुपे रुस्तम ये बीटीएस आर्मी, नहीं तेरे कोरिया को में नहीं लेंगे अभी हम, बीटीएस आर्मी तेरे कोरिया में नहीं लेगी। दुर्वा कीर्ति, दुर्वा कैसे आता तू वही अंदर भाई, बीटीएस आर्मी तुला बैन करती है। गाइस हम यहाँ पे पार्किंग में है और वहाँ पे भाई मंदिर दिख रहा था, जो मंदिर पूरा ढक चुका है, कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे, ये देखो भाई मंदिर दिख रहा नहीं, ठंड लग रही है, कितनी ठंडी लग रही है, बहुत बर्फ आ गया है यहाँ पे, बर्फ और यहाँ पे देखो पोलो के मस्त लग रही है, सब गाड़ियों में भाई पोलो सबसे बढ़िया पोलो है, दिखाया ना ब्रो, सब ढक चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ढक चुका है सब कुछ। अभी हमने इतनी सारी गाड़ियाँ देखी फिसलते हुए, अब हमारी गाड़ी का टेस्ट करेंगे, हमारी गाड़ी को ना ग्राउंड क्लियरेंस है, ना फोर व्हील ड्राइव है, ना कुछ है, अभी हम चेक करेंगे, रुको रुको रुको, रुको मेरे को उतरने दो। क्लियरेंस भाई बहुत ही ज़्यादा कम है और यहाँ पे है ना जो खड्डा है वो बहुत बड़ा खड्डा है, देखते पहले यहाँ से गाड़ी, तो ये जरा मोमेंटम ने आन गाड़ी, हाँ यू दे हड़ स्पीड नको देऊ, हाँ हड़ यू दे ताम ताम, यहाँ से गाड़ी देखनी है भाई, यहाँ देखो उबार बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी टच हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे, यू दे एकदम हड़ू, ये कहना एकदम हड़ू एकदम स्मूथ, वड़ो इकड़े पूर्ण पूर्ण वड़ो, हड़ू हड़ू यू दे पूर्ण वड़ो, येऊ दे येऊ दे येऊ दे येऊ दे, पूर्ण मार दे इकडं, निकल गई निकल गई निकल गई, घे पुढे लाव जा जा पुढे लाव गाडी मागं भाई, कोई गाडी नाही रे यहाँ गाडी लगा देते, फिरो फिरो आत फिरो फिरो, येऊ दे मग पुढे घे बस, आता पुढे घे, यहाँ पे गाडी पार्क कर दे क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं गाडी आने वाले, येऊ दे रे बस आता,
यहाँ पे घड़ी आ चुकी है हमारे गाड़ी का, यहाँ पे ये होने वाला है डेस्टिनेशन ऑफ कार। आगे मुझे बहुत डर लग रहा है ये चीज। सक्सेसफुली गाड़ी आ चुकी है। नॉर्मल जाओ दे, नॉर्मल जाओ दे, फिरो नको जास्त टायर। आ थांबो आता भाई, गाड़ी नहीं चढ़ी, वही चढ़ चुकी है। ऑन दे ऑन दे ऑन दे चल ऑन दे चल ऑन दे अन्ना जोर सर का भाई, गाड़ी चढ़ा नहीं तो हटो वहां से, जल्दी हटो। कैसे सगे गाड़ी चालू होत नहीं, काय डर लग रहा है। अरे भाई आता तू माझ्या डोक्यात गेली भाई, तुम्हाला वाटलं भरोसा आहे म्हणणार आहे, ए उतरो कर नाही खाली भाई, ए उतर आहे गिरते खाली उतर भाई, तू चालत ये, तू एसटी नहीं है भाई, मानलाय भाई त्याला। मेरा तो इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इस करने के ऊपर। काय टॉपिक जो सांग, अरे दाखवू नकोस ना, थांब ना। अरे तुला कुठे दाखवतोय, व्हिडिओ स्टार्ट नाही केलेला, गोप्रो कॅमेरा ये देख सकते हो, ये है 50 लाख का। गाइस ये अभी ये वीडियो आने वाला है, आप देख सकते हैं हम घर पे गए थे और बहुत सारे फोटो लिए थे, ये नहीं था लेकिन ये नहीं था। और ये वीडियो 2-3 दिन के बाद आप चैनल में देख सकते हो, हमने निकाला है लवकरच ही लाता बहु ये दिसत नहीं है कैमेरा तरी येणार आहे गाइस ये बहुत ज्यादा फॉग हो गया है यहाँ पे, जहाँ देखो वहाँ फॉग ही फॉग है, थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, बाकी कुछ नहीं। अभी कार्बन मंजिल से निकल रहे हैं, आप लोगों पर कैसे लगा, गाड़ी में जगह नहीं पूछ, इसका पीछे बिठाए, बैठ जाओ पीछे बैठ।